पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस महामारी में जहां कोरोना पॉजिटिव का शब्द सुनते ही लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है, वहीं भागलपुर से कोरोना के मरीजों को लेकर एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अलग अलग जगह से इलाज के लिए भर्ती कराए गए कोविड-19 के 6 मरीजों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए कोरोना को पराजित कर जिंदगी की जंग जीत ली है। कोरोना पॉजिटिव सभी 6 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। मायागंज अस्पताल के MCH विंग में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती सभी 6 कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों का इलाज अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी ईमानदारी के साथ किया, जिसके कारण मायागंज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज भी स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। मुंगेर से आए 2 मरीजों को पहले ही छुट्टी दी गई और इस दौरान कुछ औपचारिकताओं के साथ ताली बजाकर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों का उत्साहवर्धन किया। मायागंज अस्पताल में अब तक आए सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होने पर जहां अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों ने खुशी जताई, वहीं कोरोना के नाम से भयभीत लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश भी गया। वहीं स्वस्थ हुए सभी मरीजों ने स्वास्थ्य कर्मियों एवं सरकार के प्रति आभार जताया और आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं कोरोना को लाइलाज बीमारी नहीं समझने की बात कही। कोरोना पॉजिटिव से स्वस्थ हुए सभी लोगों ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से पूरा सहयोग मिलने और डॉक्टरों द्वारा बताए नियमों का पालन करने की बात कही। लक्षण तो सर्दी खांसी के होते हैं, लेकिन बाद में चलकर अगर लोग ध्यान नहीं देते और वायरस पॉजिटिव रहता है तो बहुत तरह तरह की परेशानियां हो जाती है। निमोनिया हो जाता है, RDS होता है, जिसमें मौत होने की संख्या 100 में 80 हो जाती है। तो इस हालत में हम रोगी को क्यों पहुँचने दें? अगर वो हमारे कहने पे तुरंत यहाँ आते हैं, हमारी बातों को मानते हैं और इलाज हम लोग से कराते हैं तो देखिए आप आज अच्छे होकर जा रहे हैं। लोग हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे मरीज इतने अच्छे होकर यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ से एक बड़ी खबर और अहम खबर जो आ रही है वो भागलपुर में जो 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो यहाँ भर्ती थे वो सभी के सभी की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है और इसके बाद से आज जो है उन सभी को अस्पताल प्रशासन की ओर से छुट्टी दे दी गई है और उन्हें घर पर, हालांकि उनके साथ ही उन्हें यह हिदायत दी गई है कि आगे भी होम क्वारंटाइन का जो उसका जो उसकी समय सीमा है उसको ज़रूर मेंटेन किया जाए जिससे कि आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। तो भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती फिलहाल जो 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो सभी की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और वो सभी को अब छुट्टी दी गई है। केवल नवगछिया के एक जो वृद्ध हैं, 65 वर्षीय वृद्ध हैं, वो यहाँ पे पॉजिटिव केस हैं और इसके साथ ही सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सिर्फ और सिर्फ कोरोना पीड़ितों के लिए, कोरोना के संदिग्धों के लिए रखा जाएगा। यहाँ पर भागलपुर, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के कोरोना पीड़ितों का ही इलाज केवल होगा। यहाँ से इमरजेंसी सेवा भी शिफ्ट की जा रही है भागलपुर के सदर अस्पताल में और इसके साथ ही जो भर्ती मरीज यहाँ से पूर्व से हैं उन्हें नालंदा पावापुरी के वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में शिफ्ट किया जा रहा है। हालाँकि अस्पताल अधीक्षक ने यह पहले भी कहा था कि उन जो भी हड्डी से जुड़े हुए जो भी केस हैं, जो भी मरीज हैं, उनका ऑपरेशन करके उन्हें छुट्टी दी जाए या शिफ्ट करने की बात हो। तो अस्पताल प्रबंधन अपनी ओर से इस कोशिश में लगा है कि अधिक से अधिक पेशेंट जो जिन्हें रिलीज़ किया जा सकता है, जिन्हें छुट्टी दी सकती है, उन्हें छुट्टी दे दी जाए, लेकिन जो जिन्हें रखना अनिवार्य होगा उन्हें पावापुरी के नालंदा हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिलहाल इमरजेंसी सेवा के भागलपुर के सदर अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल टीवी भागलपुर। कमिश्नर वंदना किनी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए तैयार करने और इमरजेंसी विभाग को भागलपुर के सदर अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर भागलपुर, कोसी एवं पूर्णिया प्रमंडल क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव एवं संदिग्धों की जांच एवं इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में तैयारी तेज करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं मायागंज अस्पताल में पूर्व से भर्ती सभी मरीजों को पावापुरी नालंदा हॉस्पिटल भेजने का निर्णय लिया गया है, जबकि कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के साथ पूरी सतर्कता बरतने की बात कही गई। आयुक्त वंदना किनी ने भागलपुर मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए सभी 6 मरीजों के लिए खुशी व्यक्त की। वहीं जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। बैठक में मायागंज अस्पताल में चल रहे इमरजेंसी की सेवा अगले कुछ दिनों तक जारी रखने और वैकल्पिक व्यवस्था होने पर सदर अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार, सहायक DM आशुतोष त्रिवेदी, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC मंडल, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल मौजूद थे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और देश में जारी लॉकडाउन को देखते हुए भागलपुर के विभिन्न खानकाहों और मस्जिदों से शबे बारात का पर्व घर पर ही मनाने की अपील की जा रही है। वहीं भागलपुर पुलिस कप्तान आशीष भारती ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिहार राज्य सुन्नी एवं सिया बब बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अपील को शेयर किया है। अपील में कहा गया है कि कोरोना वायरस और संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए मस्जिदों में पंचगना एवं जुमा की सामूहिक नमाज पर रोक है। इधर SSP आशीष भारती ने कहा कि शबे बारात के अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों के कब्र और इबादत गाहों पर जाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों से कब्रिस्तान नहीं जाने की अपील की गई है। पुलिस कप्तान ने कहा कि लॉकडाउन को सफल बनाने में सभी धार्मिक गुरुओं का सहयोग मिल रहा है। साथ ही SSP ने कहा कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे, उन पर पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भागलपुर मौलाना चक स्थित खान का सहबाजिया के सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम सहबाजी और खान का पीर दमड़िया शाह मार्केट के उप सज्जादा नसी सैयद शाह हसन फकरे आलम ने शबे बारात के मौके पर लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की। वहीं खानकाहों से जारी अपील में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करने की बात कही गई। पेट की भूख ने लॉकडाउन के बाद भी लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मंगलवार को इसकी स्पष्ट तस्वीर भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह के वार्ड में देखने को मिली। हरिजन टोला की जनता ने सामूहिक रूप से राशन की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा और खाद्य सामग्री नहीं मिलने से पार्षद सीमा शाह पर जमकर भड़ास निकाली। हंगामा कर रहे लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, फिर भी उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं मेयर सीमा शाह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हंगामा कर रहे अधिकांश लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है। मेयर ने कहा कि वार्ड के लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर वह जिला प्रशासन से बात कर रही है। हम लोग भूखे प्यासे बच्चा लेको कहाँ जाए, क्या करे, कमियाँ को बेटा साई को कमाने के लिए बाहर नहीं करने देता। कर्फ्यू तो सबके गरीब अमीर सबके लिए लगेगा, कोई सर्विसिया तो नहीं आई। आप लोग क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हम लोग कर्फ्यू बंद किया, कर्फ्यू चालू किया तो हम लोग का सबका घर है, तो हम लोग खाने के लिए खाना पीना लिए। 14 दिनों से जारी लॉकडाउन का देश भर में व्यापक असर देखा जा रहा है। वहीं भागलपुर में भी पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों का अनावश्यक घरों से निकलना कम हो गया है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लॉकडाउन को लेकर पुलिस अधिकारी और जवान मुस्तैद दिख रहे हैं। SSP आशीष भारती के निर्देश पर CTSP सुशांत कुमार सरोज लगातार शहरी क्षेत्र में गश्ती कर रहे हैं और लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाले को फटकार भी लगा रहे हैं। भागलपुर पुलिस ने अब तक लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाले 50 से अधिक लोगों को चिन्हित किया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सबसे अधिक मामला ततारपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। मंगलवार को स्टेशन चौक, ततारपुर चौक, तिलकामांझी चौक, खलीफाबाग चौक समेत कई स्थानों पर पुलिस ने सख्ती बरती और लोगों से कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की।
भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के नूरपुर इलाके में मंगलवार की सुबह एक संदिग्ध व्यक्ति बेकरी की गाड़ी लेकर बिस्कुट बेचने पहुंचा, जहां उक्त व्यक्ति द्वारा नूरपुर इलाके के कई दुकानों में औने पौने दाम में बिस्कुट बेच दिया, जिसके बाद बचे हुए बिस्कुट को एक कोने में फेंक कर युवक भाग गया। सारी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान इलाके के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस एवं मुखिया को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मुखिया और पुलिस कर्मियों ने सभी दुकानदारों से बिस्कुट को बाहर फेंकवा कर एक जगह एकत्रित कर आग लगा दी। साथ ही पूरे गांव को सैनिटाइज करवा कर मुख्य रास्ते की बैरिकेडिंग भी कर दी। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि बेकरी उत्पाद बेचने वाला व्यक्ति बांग्ला भाषा का प्रयोग कर रहा था। मुखिया पप्पू मंडल ने कहा कि लॉकडाउन के समय इलाके में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो ऐसे व्यक्ति को पकड़वाने में पुलिस की मदद करे। वहीं मधुसूदनपुर थाना पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। फिल्म आया बेचने के लिए, पाव रोटी बेचने आया, यहाँ पे दुकानदार वाले ने लिया, वहाँ लिया, अगल बगल सब लिया, उसके बाद वहाँ कोने पे जाके पोल के पास जो है सारा पाउरोटी फेंक दिया। पाउरोटी फेंकने के बाद वो बहुत जल्दी से कहीं से फोन आया, वो भागा, मतलब कि उसके बाद तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ग्राम पंचायत नूरपुर में, नूरपुर मोहल्ला में कोई संदिग्ध व्यक्ति बाहर से बिस्किट और क्या था, पाउरोटी लेके किसी दुकानदार के यहाँ बेच दिया गया, जो संदिग्ध लग रहा था। और कुछ जब कहीं से उनको फोन उन हुआ तो जैसा पता चला कि उसने सारा बिस्किट पाउरोटी बीच सड़क पे छोड़ के देख के वो भाग गया। तब तक हमको सूचना मिला तो हम ऑन स्पॉट आए, थाना से भी आए हुए हैं, सारी जानकारी ग्रामीण से मिला कि वह कोई मुस्लिम था। एक तरफ देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से लोगों में भय व्याप्त है। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में सख्ती बढ़ा दी है, साथ ही नौगछिया अनुमंडल के सभी क्षेत्रों को सील कर कर्फ्यू लगा दिया है एवं सभी तरह के आवश्यक सेवा को बंद कर दिया गया है, जिससे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके। वहीं आम लोगों के बीच जरूरी सामान की आपूर्ति हो, इसके लिए अनुमंडल प्रशासन ने ऑनलाइन होम डिलीवरी विक्रेताओं का नंबर सार्वजनिक कर दिया है, जिससे लोग फोन कर जरूरी सामान अपने घरों पर मंगा सकते हैं। भागलपुर के मिर्जानहाट वारसलीगंज महादलित टोले में मंगलवार को जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। लॉकडाउन को लेकर जदयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साई ने महादलित एवं जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरित किया। मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार के निर्देश पर पुलिस कर्मियों की देखरेख में आटा, दाल, चावल एवं साबुन समेत कई खाद्य सामग्री वितरित किया गया और लोगों से घर में रहने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। इस दौरान विकास कुमार, निशांत कुमार, अमित यादव समेत कई लोगों ने भी राहत सामग्री वितरण में हिस्सा लिया। सुड्डू साई ने कहा कि कोरोना की त्रासदी के कारण लॉकडाउन किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब परिवार के लोगों के बीच घर घर जाकर सामग्री वितरण किया गया है। सुड्डू साई ने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग एवं जनप्रतिनिधि द्वारा गांव-गांव में घूमकर जरूरतमंद लोगों के बीच राहत साबुन एवं मास्क का वितरण किया जा रहा है, साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं। मंगलवार को जगदीशपुर पंचायत वार्ड संख्या 4 के वार्ड सदस्य मधुसूदन तांती ने जरूरतमंद लोगों के बीच साबुन एवं मास्क का वितरण किया। इधर सनोला प्रखंड के सीलन खजूरिया पंचायत में मंगलवार को प्रखंड प्रमुख सुषमा देवी एवं मुखिया सुभाष चंद्र भगत ने घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों को मास्क और साबुन दिया, साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। वहीं जगदीशपुर सनहौली के पूर्व मुखिया विभास यादव ने ग्रामीणों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया। इधर लायंस क्लब ऑफ बौंसी के सदस्यों ने गरीब परिवार के लोगों के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया। इस दौरान रेफरल अस्पताल बौंसी के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लायंस क्लब के सदस्य सोनू चौधरी, राकेश शर्मा एवं आनंद पंजियारा के साथ 100 से अधिक जरूरतमंद परिवार के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। भागलपुर महर्षि में ही आश्रम के अखिल भारतीय संतमत
सत्संग महासभा की ओर से कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए जिलाधिकारी प्रणव कुमार को 11,11,111 रुपये का चेक सौंपा गया। कुप्पाघाट में ही आश्रम के आचार्य एवं गुरु से भी महर्षि हरिनंदन बाबा के निर्देश पर महासभा के मंत्री सूर्यनारायण मंडल, रमेश बाबा, पंकज बाबा एवं ब्रह्मदेव कुमार ने DM को चेक सौंपा। सूर्यनारायण मंडल ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया परेशान है और इससे बचाव के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। साथ ही कहा कि जरूरतमंदों की सेवा एवं मानवता की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं सत्य अहिंसा के प्रणेता भगवान महावीर के 2617वें जयंती के अवसर पर भागलपुर के जैन मंदिरों में जैन श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। लॉकडाउन के कारण जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन मंदिर से कोई शोभा यात्रा या विशेष आयोजन नहीं किया गया और केवल पूजन की औपचारिकता ही पूरी की गई। मंदिर परिसर में ही भगवान महावीर की प्रभात फेरी निकालकर पूजा अर्चना की गई। प्रत्येक वर्ष महावीर जयंती के अवसर पर जैन मंदिरों में कई तरह के भव्य आयोजन किए जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण केवल कुछ श्रद्धालुओं द्वारा पूजन की औपचारिकता निभाई गई। गौरव जैन ने कहा कि महामारी के हालात में हम सबों को अपनी क्षमता के अनुरूप गुप्त एवं जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर जैन समाज के कई लोग मौजूद थे। कोरोना वैश्विक महामारी का बचाव का उपाय भी जैन धर्म में ही छुपा हुआ है। सबसे पहला उपाय शाकाहार को अपनाएं, शाकाहारी बने। दूसरा दान दें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। और तीसरा अपनी बीमारी के बारे में अपने परिवार में और अपने आसपास के लोगों को बताएं।